सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी मुस्तफिजुर एंड यू वाचिंग क्रेजी वाइग्राम। यार बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद यार ऐसे आप लोगों के साथ बात करके यार बहुत मज़ा आ रहा है यार। कैमरे को ऐसे पकड़ के यार व्लॉग करने में आज जो सुकून मिल रहा है, आई कॉन्ट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। तो बहुत दिन हो गए हैं आई एम नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो यार अभी आज थोड़ा टाइम मिला है तो आई जस्ट थॉट कि यार चलो, एक मेरा पुराना वाला वीडियो है जब मैं आ रहा था कोलकाता से बरहमपुर भाया बर्धमान, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा, ताजपुर वाला जहाँ पे मैं सागर गए थे। तो उसके नेक्स्ट वाला दिन मैं जब घर आ रहा था तो आई जस्ट थॉट किया चलो एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब मैं निकल रहा था वहाँ से मेरा मूड थोड़ा ऑफ था तो मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगा व्लॉग। तो कुछ फुटेजेज है, मैंने ठीक से व्लॉग नहीं किया तो मैंने सोचा कि आज नहीं बनाऊंगा व्लॉग। तो वो वाला फुटेज आज मैंने ओपन किया एंड आई जस्ट थॉट कि चलो यार आज कमेंट्री करते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। ये जो राइड था इट वाज अराउंड जनवरी के 8 से 10 तारीख के अंदर होगा, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। हाँ, मैंने राइड शुरू किया था जोधपुर से। अगर आप कोलकाता से बहरमपुर आ रहे हो या बहरमपुर से आप कोलकाता जा रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट रूट एवर। तो मैंने वही किया बिकॉज जब मैं आ रहा था कोलकाता तो मैं कृष्णनगर हो गया एंड द रोड इज़ हॉरेबल। कृष्णनगर तक रोड अच्छा, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस है मुझे 27 किलोमीटर का ट्रैफिक मिला तो इट वॉज़ हॉरेबल। तो मैंने सोचा कि चलो वो स्किप करते हैं एंड घर जाने के लिए मैंने वर्धमान वाला रूट चूज़ किया। एंड क्या बाइक चलाया था उस दिन, मैं अकेला था तो मज़ा आ गया एंड गोकू का परफॉर्मेंस के बारे में पूछो ही मत। तो अभी यार लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो यार पुराना फुटेज देखते हैं यार, अगर कुछ बनता है वीडियो तो बनाते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा आप लोग भी एंटरटेन हो जाओगे। तो यार आई होप हाथ दुखे मेरा, तो यार आई होप आप लोगों का लॉकडाउन ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग सह रहे हो या यार बहुत सारे लोग तो सह नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यार प्लीज़ थोड़ा सह लो, सबके लिए अच्छा ही होगा। तो आई होप ठीक ठाक जा रहा है आप लोगों का लॉकडाउन एंड मेरा भी ठीक ठाक ही जा रहा है। तो चलो गाइज मिलते हैं एक्शन कैमरा मोड में, चलो। ओके सो या हैव टू टेक दिस रूट फॉर द निवेदिता ब्रिज एंड अगर आप कार से आते तो सीधा आप ओवरब्रिज से एंटर करते हैं, लेकिन बाइक अलाउ नहीं है उस ब्रिज पे, दैट्स द रीज़न कि इस ब्रिज से जाना पड़ता है। तो या दैट्स इट, जब मैं ताजपुर जा रहा था वहाँ से रिटर्न आते वक्त या फिर जाते वक्त आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा शायद, एंड देयर इज अ लॉट मोर वीडियो जहाँ पे मैंने दिखाया है एंड यस दैट्स इट। जब लास्ट टाइम जब मैं गया था वुल्कैन यहाँ पे खड़ा था, वुल्कैन और मैं, वुल्कैन जो परवेजदा थे और मैं, हम दोनों एक साथ गए थे एंड या अभी मैं अकेला जा रहा हूँ बट मज़ा आ रहा है। ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड विद अ ब्यूटिफुल स्मॉल राइड। यार मैप में कितना अच्छा लग रहा है यार देखने में, बट यस टाइम फॉर होम, घर जा रहा हूँ 4 दिन बाद। बट ठीक है, ज़्यादा कुछ राइड नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई शॉट माई कैमरा एंड आई एम एन्जॉइंग। सो यस आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट टाइम से अच्छे से ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। सो या कीप सपोर्टिंग गाइज एंड कीप लविंग, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो यार, प्यार कर रहे हो यार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैन। ओके एवरीवन, सो आई जस्ट कनेक्ट विद द NH2 दिल्ली हाईवे। अभी जो रोड है वो स्ट्रेट, तो हाँ ये रोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड दिस साइड ऑफ द रोड विल टेक यू टू खड़गपुर देन मुंबई। इस रोड से हम लोग गए थे ताजपुर, तो इस रोड से आप खड़गपुर देन जो पूरी भुवनेश्वर एंड देन मुंबई, बहुत सारे रूट इस तरफ है एंड इस तरफ से दिल्ली एंड हाँ यार ड्रीम राइड होगा यार जिस दिन जाऊँगा, यस दिल्ली। बट नो नॉट दिस टाइम, फिलहाल तो यार जर्नी 200 किलोमीटर का ही है। ये जो रोड है ना, ये पता नहीं क्यों यार इस रोड से मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस रोड में बाइक चलाना। तो कोलकाता आ गया, घूम लिया, सागर से मिल लिया, अभी इस रोड से घर जा रहा हूँ। आ हा हा, ट्रिप तो एकदम मजबूत कंप्लीट हुआ भाई। यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंजॉय करना। आई हैव टू सजेस्ट यू गाइज,
फर्स्ट यू हैव टू एंजॉय एंड देन रिकॉर्ड करो. तो ऐसा ही लगता है यार मोमेंट को, कुछ कुछ मोमेंट ऐसा होता है कि यार रिकॉर्ड करना बनता है यार, बिकॉज वो एक टाइम के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हाँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा यार एंजॉय करना, देन यार ब्लॉग करो यार जितना चाहे करो. Okay everyone, so just stop this Adi Lanka Bhavan for the breakfast and just done the breakfast. मैंने दो कचौरी और एक चाय मारा and a bottle of water and यहाँ पे as usual बहुत ज़्यादा भीड़ होता है and right now it's 10 o'clock in the morning and hopefully मुझे 2 घंटे लगेंगे, hopefully, I don't know. अगर ट्रैफिक रहा तो लग गए बॉस, अगर नहीं रहा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच एज सून एज पॉसिबल. सो या लेट्स गो एंड चलो. और मैंने पापा के लिए लैंगचा ले लिया. इफ़ यू डोंट नो दिस इज दिस प्लेस इज कॉल्ड शक्तिगढ़ एंड शक्तिगढ़ इज फेमस फॉर लैंगचाज. लैंगचा इज काइंड ऑफ स्वीट. तो मैंने अपने पापा के लिए ले लिया बिकॉज माई फादर लव स्वीट्स. सो या दैट्स इट, गुड टू गो. एंड यहाँ पे आगे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे मैंने रिफिल करवा लिया. सो या दैट्स इट गाइज, ऑल चेक, मोबाइल यहाँ पे है, वॉलेट, एवरीथिंग इज ओके, लेट्स गो गाइज. ओके ओके, गाड़ी नहीं है, निकलो अभी. Oh, I'm back. Oh, I'm back. क्या कर रहा है? Okay, so just entered Burdwan city and अबाउट बर्धमान इफ यू आस्क मी, मैं यही कहूँगा इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी. पहले ये जो रोड था ये बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी बहुत अच्छा बन चुका है. एंड टॉकिंग अबाउट माई बाइक, यार जितने दिन जा रहा है मैं अपने गोकू का फैन होता जा रहा हूँ. क्या बोलूँ यार, क्या परफॉर्मेंस है. एंड ऐसे ऐसे 150 जाता है बाइक. और मैं थोड़ा स्पीड में ही चलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. सब जगह नहीं, हाईवे पे जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे स्पीड में चला सकते हैं वहाँ पर ही चलाता हूँ मैं. जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ट्राई नहीं करता हूँ. तो मुझे चलाना अच्छा लगता है स्पीड में. तो यार बहुत अच्छा एवरेज मैं मेंटेन कर रहा था एंड बहुत मज़ा आया यार. कोलकाता जोधपुर से शक्तिगढ़ तक आने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अभी तो ये सिटी क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा मुझे, बट कोई नहीं, इतना तो झेल ही सकता हूँ. ओके, सो दिस इज़ द बर्धमान क्लॉक टावर एंड 10:21 या 10:22 बोल सकते हो. सुबह के बज रहे हैं एंड ये मुझे काफ़ी पसंद है. ओके एवरीवन, सो यहाँ से बारामूला डिस्टेंस है 111 किलोमीटर्स. तो 111 किलोमीटर, लेट्स सी कितना घंटा लगता है. आई होप मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा. आई विल ट्राई टू मेंटेन अ वेरी गुड स्पीड, लेट्स सी. शायद
लेट्स सी कितना जल्दी मैं पहुंचता हूँ। यहाँ पे मुझे रुकना है, यहाँ पे मुझे रुकना है, फोटो खींचूंगा फोटो खींचूंगा। ओके फ्रेंड्स, वी रीच फूटी शाको एंड बहरमपुर इज मोर 67 किलोमीटर्स टू गो। अभी इफ यू टेक दिस लेफ्ट इट विल टेक यू टुवर्ड्स बोलपुर, दिस वन कैन टेक यू टुवर्ड्स कुली, एंड कुली से अगर राइट लेते हो देन इट विल टेक यू टू बहरमपुर, और अगर सीधा जाओगे तो मोरग्राम एंड देन मालदा शिलीगुड़ी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यस दैट्स द रूट गाइड। अभी मैं भगाता हूँ फिर से, और क्या और कोई और कुछ है नहीं दिखाने को, तो चलो मिलते हैं सामने और क्या। कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इसका बैग लगा रहे कि इतने छोटे गली से भी हम निकलेंगे ब्रिज के साइड से। क्या कर रहे हो चाचा, भाई बस सो सीरियस, बिंदास चलाओ यार, बिंदास चलाओ, बाइक ही तो है, ऊपर से होंडा चला रहे हो, इतना हल्का फुल्का बाइक चलाओगे तो इतना सोचोगे तो कैसे होगा चाचा। ओ चाचा तुम्हारे वजह से मैं उड़ा नहीं पाया बाइक। A few moments later. Okay, everyone, so just crossing Kandi and यहाँ पे नए नए मक्खन वाले रोड बन रहे हैं। एक हफ्ता पहले मैं आया था तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी बन चुका है तो पूरा बन जाएगा जब ये रोड, तो क्या मजा आएगा यार। यहाँ से घर है 35 किलोमीटर मोर एंड हाँ मजा आ रहा है। मैंने हल्का सा म्यूजिक प्ले कर दिया है मेरे इंटरकॉम में एंड हल्का हल्का म्यूजिक सुन रहा हूँ एंड बाइक चला रहा हूँ, और क्या और तो कुछ है नहीं। अभी चलो भगाते हैं फिर से, और क्या। ओके एवरीवन, सो रीच्ड बरहमपुर एंड राइट नाउ इट्स व्हाट्स द टाइम, नाउ इट्स 12:47 इन द आफ्टरनून, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगे और मैंने शक्तिगढ़ में हाफ एन आवर्स का ब्रेक लिया था। तो हाँ सो फार अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही है। अभी चलो घर पे जाते हैं एंड या ब्लॉग को एंड करते हैं, और क्या चलो घर पे मिलते हैं गाइस। सो एवरीवन जस्ट फिनिश्ड एडिटिंग एंड राइट नाउ इट्स 2:10 इन द नाइट एक्चुअली, तो रमजान चल रहा है तो मैंने सोचा कि यार चलो एडिटिंग कंप्लीट करते हैं एंड एक सेकंड। सो मैंने सोचा कि यार रमज़ान चल रहा है तो चलो एडिटिंग फिनिश करते हैं, फिर शहरी खाऊंगा एंड आई विल स्लीप, तो दैट्स द प्लान कंप्लीट कर लिया वीडियो, बट लंबा वीडियो बना 15-16 मिनट का बन जाएगा। तो यार
एक बात यार, जो लास्ट का जो फुटेज है जब मैं बैरपुर में एंटर कर रहा हूँ, तो यार वो फुटेज देख के यार मैं इमोशनल हो गया एक्चुअली, क्योंकि नाउडेज यार बरमपुर बहुत खाली रहता है, तो वो जो क्राउड था एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं बहुत मिस कर रहा था एक्चुअली वो चीज़, सारे दोस्तों को एक्चुअली रिवर साइड जाना, चाय पीना, बहुत सारी चीज़ें, आई जस्ट मिस देम बैडली। तो यार होपफुली यार ये लॉकडाउन का सीन बहुत जल्दी ख़त्म हो एंड जो कोरोना का सीन है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड यार क्या बोलूँ यार, सब ठीक हो जाए यही चाहता हूँ, सब सेफ रहो, अच्छे रहो यही चाहता हूँ। नेसेसरी नहीं है तो बाहर मत निकलो, अपनी सेफ्टी अपने पास ही है, और यही बोलना है यार, आई जस्ट मिस माई ओल्ड बरमपुर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो एंटरटेन्स यू। सो अगर एंटरटेन किया था प्लीज़ लाइक करो, एंड इफ़ यू हैव टू कमेंट और सजेस्ट मी एनीथिंग देन कमेंट कर दो यार, एंड या सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू वेरी सून ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन राइड एंड राइट सेफ, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज, सी यू वेरी सून, बाय बाय।